2018 संघर्ष समिति के बैनर तले आज समस्त राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री के नाम नर्सेज भर्ती 2018 को पूर्ण करवाने के लिए देंगे ज्ञापन। नर्सेज भर्ती 2018 करीबन 2 साल से लंबित है, जिसकी मांग को लेकर राज्य सरकार को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पूर्व सभी संविदा नर्सेज कर्मियों का आज दिनांक तक दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अस्थायी प्रोविजन सूची जारी नहीं की जा रही है। संविदा नर्सेज बार बार चिकित्सा मंत्री को अवगत करा रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, इसके पश्चात भी चिकित्सा मंत्री किसी प्रकार की कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर समस्त राजस्थान में आज समस्त संविदा नर्सेज कर्मी संपूर्ण जिलों में जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर को, उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम देंगे ज्ञापन। अगर जल्द ही सुनवाई नहीं होती है तो समस्त संविदा नर्सेज जल्द ही उग्र आंदोलन करेंगे। अजमेर के सैकड़ों संविदा नर्सेज आज यहां नर्सेज गार्डन में मीटिंग करेंगे, उसके बाद रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। जिला कलेक्ट्रेट पर हमारा शक्ति प्रदर्शन होगा। शक्ति प्रदर्शन के बाद अगर कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो जल्द ही उग्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मैं पवन कुमार मीणा, प्रदेश संयोजक, राजस्थान नर्सेज भर्ती 2018 संघर्ष समिति।